राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी अभियान शुरू हो चुका है और यहां पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। पिछली कड़ी में हमने बात की थी बायतू विधानसभा सीट की और आज की कड़ी में हम बात करेंगे लालसोट विधानसभा सीट की, जहाँ हमेशा से कांग्रेस का रुझान ज्यादा देखने को मिला है। द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूँ साक्षी शर्मा। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व लालसोट विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही मीणा समाज के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इस सीट पर कांग्रेस ने फिर से प्रसादी लाल मीणा को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने रामविलास मीणा को एक बार फिर से मौका दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में लालसोट विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस के प्रसादी लाल और बीजेपी के रामविलास दोनों ही चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ प्रसादी लाल ने रामविलास से कड़े मुकाबले में 9074 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस के प्रसादी लाल मीणा को चुनाव में 88,828 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के रामविलास के खाते में 79,754 वोट आए। अब बात करें लालसोट सीट के सियासी मिजाज की, तो यहाँ हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है और ये सीट प्रसादी लाल मीणा की वजह से ही जानी जाती है। वह 6 बार यहां से विधायक चुने जा चुके हैं और वह अशोक गहलोत सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। अब बात करते हैं लालसोट विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण के बारे में। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 2,43,000 के आसपास है। लालसोट विधानसभा सीट अनुसूचित जाति बाहुल्य सीट है और ओबीसी और एससी भी यहाँ प्रभाव रखते हैं। यहाँ अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या करीब 91,000 के आसपास, तो वही ओबीसी वोटर्स की संख्या करीब 51,000 के आसपास है। एससी वोटर्स करीब 50,000 के आसपास, वहीं अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या 6,000 है और सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या करीब 38,000 के आसपास है। जातीय समीकरणों की अगर बात की जाए तो लालसोट विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के मत प्रभाव रखते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व लालसोट विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यह सीट प्रसादी लाल मीणा की वजह से जानी जाती है और यहां कांग्रेस का रुझान हमेशा से ही ज्यादा देखने को मिला है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने यहाँ मीणा समाज के उम्मीदवारों पर दांव खेला है। द नगरी न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र की जहां जीत के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कसी है, क्योंकि इस सीट पर जीत उम्मीदवारों के आने वाले राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगी। नमस्कार।